गुड मॉर्निंग एवरीवन क्वेश्चन नंबर फोर पेज नंबर 176 176 क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन इज ट्राई टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन इज या काय गोरे एंड पांडरे were partners sharing profit losses in the ratio of 3 is to 3 is to 2. Their balance sheet as on 31st March 2018 the balance sheet as on 31st March 2018 is as follows. Capital of three partners, Kae, Gore, Pandre, creditors, bills payable reserve fund will be distributed between these partners in their old PSA 3 is to 3 is to 2. Okay, again. Building, plant and machinery this should be livestock, animals. This should be livestock. Huh? Livestock, then data stock and bank. On first April eighteen, that is on the next day. Next day pay, right, Mr. Pandre, the third partner retired. Third partner retired from the firm on the following terms assets to be revalued as stock 6300 plant and machinery 10000 and livestock 10200 okay revaluation good luck the firm is valued at 4000 of the firm so this is total goodwill total goodwill this is total goodwill okay however

जब आप पूरा गुडविल रेस करोगे आपको सब पार्टनर्स के कैपिटल इंक्रीज करने पड़ेंगे ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में एंड जब वही गुडविल आप राइट ऑफ करोगे तब आपको न्यू पार्टनर्स रहेंगे उनके कैपिटल से माइनस करना राइट ऑफ करना इन द न्यू रेशियो सो वेन टोटल गुडविल इज रेस्ड रेज अमॉन्ग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो एंड वेन यू राइट ऑफ दैट आफ्टर रेजिंग राइटिट ऑफ अमॉन्ग न्यू पार्टनर इन द न्यू रेश एवर इन केस ऑफ रिटायर जो जा रहा है उसका ही शेयर रेज करो हमें फोर थाउजेंड रेज नहीं करना है हमें उसमें से पांड्रे का शेयर वन थाउजेंड रेज करना है सो so, जब हमें खाली किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर का आउट गोइंग पार्टनर का गुडविल रेज करना है तो हम उसके कैपिटल में ही रेज करेंगे ठीक है एंड जब वो राइट ऑफ करना होता है तो हमें न्यू रेशियो में राइट ऑफ नहीं करना है हमें गेनिंग लूजिंग रेशियो में राइट ऑफ करना है कौन से रेशियो में गेनिंग रेशियो में राइट ऑफ करना है तो ट्राई टू अंडरस्टैंड ठीक है देर आर थ्री पार्टनर्स काए, गोरे एंड पांड्रे ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं ध्यान देना एवरी वन गोरे एंड पांडरे पांड्रे गोरे एंड पांडरे द थ्री पार्टनर्स टोटल गुडविल ऑफ रुपीज फोर थाउजंड इन

टोटल गुडविल इन द ओल्ड रेशियो अगर आपको टोटल गुडविल रेज करना है तो इस रेशियो में रेज होगा अगर आपको टोटल गुडविल रेज करना है तो इस रेशियो में रेज होगा अगर वही रेज करके राइट right ऑफ करना है इन न्यू टोटल गुडविल इन द न्यू पीएसआर थर्ड पार्टनर चला गया है तो न्यू पीएसआर कुछ लिखा नहीं है इट इज थ्री टू थ्री

So, ये है रेज द टोटल गुडविल जो फर्स्ट लाइन है वो है रेज द टोटल गुडविल जो सेकंड लाइन है वो है राइट ऑफ टोटल गुडविल राइट रेज किया हुआ राइट ऑफ सेकंड एक्शन बट हमें दोनों नहीं चाहिए हमें खाली पांड्रे का शेयर रेज करके राइट ऑफ करना है तो इन दोनों का जो नेट रहता है ना वो होता है राइट गेनिंग लूजिंग रेशियो तो हम क्या करेंगे ध्यान देना देखेंगे

जैसे एडमिशन में जो पार्टनर आता है नया पार्टनर रहेगा राइट इनकमिंग पार्टनर रहेगा वो हमेशा गेन करेगा इसलिए हम उससे गुडविल रिकवर करते हैं एंड जब कोई पार्टनर पार्टनर जाएगा आउटगोइंग रहेगा रिटायरमेंट और डेथ के केस में जो जाएगा वो हमेशा सैक्रीफाइसिंग पार्टनर रहेगा वो गारंटीड है तो वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर रहेगा तो हम उसको गुडविल क्रेडिट करेंगे हम उसको गुडविल देंगे ठीक है जो सेक्रीफाइस करेगा उसको मिलना चाहिए और जो गेन कर रहा है उससे हम रिकवर करते हैं ठीक है एडमिशन में जो इनकमिंग पार्टनर होता है वो गेन करता है, लेते है और जिन्होंने इसलिए हमें उसको गुडविल देना पड़ेगा और जो कंटिन्यू करने वाले वो या उनमें से कोई गेन कर रहा होगा हम उससे लेंगे ठीक है सो so, यहाँ पे पी को पहले थाउजेंड मिलता था आगे से कुछ नहीं मिलेगा मतलब हि सैक्रीफाइज थाउजेंडक्रीफाइस थाउजेंड ठीक है सो so, हमें क्या करना है काले से 500 लेना है गोरे से 500 लेना है एंड हमें देने हैं पांड्रे को थाउजेंड रुपीज ठीक है आगे सो so, इसका मतलब ये ये एडजस्टमेंट गया, आई थिंक आप लोगों ने लिख लिया होगा आगे नेक्स्ट To be 10% नहीं है कोई इशू नहीं द अमाउंट पेबल टू मिस्टर पांड्रे टू बी ट्रांसफर टू हिस्सोन अकाउंट जो भी अमाउंट पेबल रहेगी पांड्रे को क्या क्या पेबल रहेगी रहे जो उसका कैपिटल है एट थाउजेंड वो फिर ये जो फोर थाउजेंड रिजर्व फंड उसमें से उसका शेयर

हम उसको बाद में पे करने वाले फॉर द टाइम बिंग हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे ठीक है बाद में पे करेंगे ऐसे क्यों इट इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हम उसको कुछ नहीं कर सकते आगे लिखा है राइट प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज अकाउंटन अकाउंट कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फॉर्म लेट स्टार्ट एवरी वन ओके गुड Question number four, page number. Question number four, page number one seventy six. Question number four, page number one seventy six. In the books of the firm. In the books of ठीक है हम पहले बैलेंस शीट लिखते हैं इफ रिमेंबर एजॉन फर्स्ट अप्रिल टू थाउजेंड एडमिशन होने रिटायरमेंट uh, होने के बाद नेक्स्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड उनका है ना इसका एडजस्टमेंट रहती है किसकी गुडविल की एडजस्टमेंट होती है बट वो टेबल करोगे ना जो हम न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो करते हैं ना वो करोगे ना आपको एडमिशन का भी गुडविल एडजस्टमेंट आ जाएगा आपको रिटायरमेंट का भी आ जाएगा और डेथ का भी आ जाएगा ठीक है टोटल गुडविल इन द न्यू रेशियो टोटल गुडविल इन द ओल्ड देशो और फिर गेनिंग लूजिंग करने ढूंढने का वो है एक 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 ही टेबल आपको सब आंसर दे, दे देगा क्रेज करेगा तो क्या होगा राइट ऑफ करोगे तो क्या होगा राइट right. फिर अगर आपको रेशियो में एडजस्ट करना है तो कैसे होगा लाइक दैट नाउ इसके बाद एल एडजस्टमेंट अकाउंट या उसके बाद पहले कैपिटल अकाउंट चलो देर आर थ्री पार्टनर्स मॉर्निंग फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम टिल वी कम्पलीट रिटायरमेंट एंड डेथ आफ्टरनून का जो भी मेरा स्लॉटेड अल्टरनेटिव वो रहेगा ही रहेगा सो गो टू बेड अर्ली तो जल्दी ही उठ सकोगे क्योंकि अभी ठंडी के दिन है तो जल्दी उठना बहुत डिफिकल्ट रहता है बट स्टिल आगे कैपिटल्स कैपिटल अकाउंट्स और जब आप उठते हो तो बेड में सोके मत रहना प्रॉपर चेयर पे बैठ के या नीचे ग्राउंड पे बैठ के कोई प्रॉब्लम नहीं वैसे ही बेड में सोते सोते देख रहे हो गुड उससे बेटर सो जाओ फिर कोई फर्क नहीं पड़ता प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट रिवॉल्यूशन की जगह बोला है पे एंड एडजस्टमेंट अकाउंट जो भी बच्चे सो के देखते हैं ना बेटर आप बंद कर दो और सो जाओ क्योंकि तो आपकी लाइफ ही सोने के लिए देन

कैपिटल्स, कैपिटल के क्रेडिट बाय बैलेंस इलेवन द लास्ट पांड्रे का एट थाउजेंड पांड्रे का एट थाउजेंड आगे पांड्रे क्रेडिटर्स, कैपिटल के जगह रखो क्रेडिटर्स।

ना उसमें कोई चेंजेस नहीं अब जैसे के वैसे बाहर लिख सकते हो 2000 रिजर्व फंड और मैंने आपको पहले ही बोला है कि ये चैप्टर्स आपको लाइफ लॉन्ग लगेंगे पार्टनरशिप रहा एनपीओ रहा ये लॉन्ग टर्म के लिए चैप्टर्स हैं और सेफ फाउंडेशन में रिटायरमेंट डेट के सबसे ज्यादा वेटेज है एडमिशन से भी सेफ फाउंडेशन में रिटायरमेंट डेट के 15 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं सो so, भी ठीक से करो तो आपका बहुत सारा टेंशन कम हो जाएगा so, three to three to two में मुझे डिवाइड करना है कितना ही so, okay, uh, था ना वैसे हमने राइट ऑफ किया था इसलिए मुझे याद है मतलब वो हम वर्किंग नोट कर रहे थे था। आगे next. उसके बाद की वजह से इंक्रीज हो गया बिल्डिंग शायद से उसको डिप्रिशिएट करना है मैं इनर में लिखता हूं अगर नहीं करना तो बाद में अंडरलाइन करके आउटर कॉलम में लिख दूंगा नेक्स्ट एंड मशीनरी टेन थाउजेंड सेवन हंड्रेड उसके बाद है लाइफ स्टॉक एनिमल्स टेन थाउजेंड डेटर्स उसमें ऑलरेडी कुछ तो मेंटेन करना है फाइव थाउजेंड स्टॉक सिक्स थाउजेंड सिक्सिंग चलो बैलेंस शीट पे गई एक चीज हमेशा याद रखना जो भी टैलिड इंफॉर्मेशन होती क्वेश्चन में लाइक like एग्जांपल हमारे

रिकॉन्स्टिट्यूशन दैट इज टैलिड इंफॉर्मेशन वो एक जगह पे जाएगी ठीक है एंड जो भी उसके नीचे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन रहेगी जो टैलिड नहीं होती है वो दो जगह पे आगे स्टॉक को करना है सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड स्टॉक को करना है सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड राइट ऑफ सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड करना है लेस राइट ऑफ थ्री हंड्रेड रुपीज so there is a loss to stock losses are debited to which account pnl adjustment to stock 300 then machinery को करना है 10,000 मशीनरी को करना है 10,000 इसको भी write off या depreciate करना है less depreciation 7,000 उज्रेड करना है अच्छा लाइफ स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हुई है ना उनकी वैल्यू इंक्रीज होती है, ना, तो उनकी value increase होती है. So, यहां पे एप्रिसिएशन है ठीक है नहीं टू हंड्रेड का गेन हो गया बाय लाइव स्टॉक नेक्स्ट हो गया लाइव स्टॉक गुड गुडविल, गुडविल, दिस इज माय वर्किंग नोट So, हमें के से लेके पी को देना है के को डेबिट मारना है पी को क्रेडिट करना है जो सेक्रीफाइस होता है ना करता है उसको क्रेडिट किया जाता है जी से लेके क्या करना है पी को देना है तो हम इसको डेबिट मारेंगे के से लेंगे हम जी से लेंगे और पी को देंगे क्रेडिट सो so, इंट्री आएगी के अकाउंट डेबिट फाइव हंड्रेड जी अकाउंट डेबिट फाइव हंड्रेड टू राइट पी अकाउंट क्रेडिट थाउजेंड बट टेक्स बुक में एंट्री ऐसे नहीं देते में entry, इस एंट्री को स्प्लिट करके देते इंट्री क्या नहीं चाहिए कैसे रिकवर करना है डेबिट फाइव हंड्रेड जी से रिकवर करना है डेबिट फाइव हंड्रेड टू टू पी क्रेडिट थाउजेंड ये इंट्री को स्प्लिट करके लिखते कैसे ध्यान देना इसको दो इंट्रीज में करते हैं फर्स्ट एंट्री वो लिखते फर्स्ट एंट्री लिखेंगे गुडविल रेज करने की गुडविल अकाउंट डेबिट थाउजेंड टू पी अकाउंट क्रेडिट थाउजेंड ये फर्स्ट एंट्री लिखेंगे एंड फिर वो राइट ऑफ करने की एंट्री करेंगे तो उसमें इन दोनों को डेबिट मारेंगे के जी डेबिट के अकाउंट डेबिट फाइव हंड्रेड जी अकाउंट डेबिट 500 टू टू गुडविल पहले डेबिट होता है राइट ऑफ करो थाउजेंड तो इन दोनों की कंबाइन एंट्री है ना ये है तो आप उसको स्पीड करके लिखना यू नो के को डेबिट करना है जी को डेबिट करना है एंड पी को क्रिएट करना है ना तो आप पहले क्या करो पहले रेज करो गुडविल अकाउंट डेबिट टू पी थाउजेंड थाउजेंड एंड फिर उस गुडविल को राइट ऑफ करो के डेबिट 500 जी डेबिट 500 हंड्रेड टू गुडविल क्रेडिट थाउजेंड ठीक है समझा है तो अब इसकी पोस्टिंग करेंगे पी को क्रेडिट करना है पी को क्रेडिट करना है चलो पी को क्रेडिट करना है बाय गुडविल बोल के रेज करना है थर्ड पार्टनर को क्रेडिट किया उसके कैपिटल में एड किया थाउजेंड रुपीज एंड उतना हमें डेबिट मारना है टू गुडविल जी एल गेनिंग गेनिंग रेशो ठीक है सो दट इज के पांच सौ इसको डेबिट मारना है पांच सौ एंट्री क्या हो गई गुडविल डेबिट गुडविल के सामने बाय लिखा है गुडविल डेबिट थाउजेंड टू पी क्रेडिट थाउजेंड एंड यहां पर के डेबिट फाइव हंड्रेड जी डेबिट फाइव हंड्रेड टू गुडविल क्रेडिट फाइव हंड्रेड आई थिंक इतना क्लियर होगा सबको आगे नेक्स्ट So, ये आगे आपकी गुडविल की एडजस्टमेंट आरडेडी टू बी परसेंट डेटर्स ओके लेस आरडीडी अभी तो फिलहाल कोई आरडीडी नहीं है सो so, जो भी आरडीडी रखोगे दैट इज अ लॉस सो फाइव हंड्रेड रुपीज का आरडीडी रहेगा फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड टोटल

ठीक है, दिस वर्ड बी रिटर्न बैक एंड हमें क्या हमें पता है उनको क्या बोलना है बट द एप्रोप्रिएट वर्ड इज रिटर्न बैक लाइबिलिटीज रिटर्न बैक सो हंड्रेड रुपीज क्रेडिटर से राइट बैक करने हैं लेस राइट बैक रिटर्न बैक कितने हंड्रेड

लॉस इज वन था चेक करो बराबर है कैपिटल लॉसेज रिड्यूस इज द कैपिटल तो डेबिट पे आ जाएगा टू टू थ्री हंड्रेड फोर फिफ्टी फोर फिफ्टी थ्री हंड्रेड ठीक है फोर फिफ्टी फोर फिफ्टी थ्री हंड्रेड आगे अच्छा रिवैल्यूएशन क्लोज यस नाउ हमें पहले जो पार्टनर जाता है उसका कैपिटल क्लोज करना होता है उसको क्या-क्या पे करना है हमें उसका कैपिटल 8000 पे करना है हमें उसको रिजर्व में उसका शेयर 1000 पे करना है हमें उसका गुडविल में शेयर 1000 पे करना है टोटल हमें उसको 10000 पे करना है उसके सिवा हमें उसे लेना क्या है क्रेडिट मतलब उसको देना है डेबिट मतलब रिकवर करना है हमें उससे रिवैल का लॉस थ्री हंड्रेड रिकवर करना है तो टेन थाउजेंड माइनस थ्री हंड्रेड हमें उसको नाइन थाउजेंड सेना है अगर हम उसको पे करते यहां पर आएगा टू कैश यहां पर आएगा टू कैश या बैंक और यहां से पेमेंट हो जाएगा ठीक है अगर हम उसको थोड़ा ही पे करते बाकी लोन में जाता है तो जितना पेड किया उतना टू कैश बाकी लोन बट उसके अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस नहीं रखना है बट यहां पे हम पूरा का पूरा उसके लोन में ट्रांसफर करें टू पीज लोन अकाउंट पीज लोन अकाउंट नाइन थाउजेंड नहीं करना है ना पीज लोन लोन इज ए लाइबिलिटी हमें उसको नाइन थाउजेंड सेवन हंड्रेड देने हैं हमने दिए नहीं है तो लोन है लाइबिलिटी में आ जाएगा पीज़ अगर यही डेथ होती अगर यही क्वेश्चन का होता अगर यहां पे लिखा होता पी की हुई है तो हम यहां नहीं लिखते पीज, पीज एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट उसके आएंगे, उनको हमें पे करना पीज लीगल रिप्रेजेंटेट लोन अकाउंट सब क्वेश्चन सेम रहेगा कुछ भी डिफरेंट नहीं रहेगा ठीक है समझ में आ रहा है रिटायरमेंट में हम रोएंगे नहीं डेथ में हम रोएंगे बस इतना ये, ये ही यही डिफरेंस रहेगा बाकी सब सेम रहेगा और यहाँ पे आएगा पीस एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट ठीक है और वो लाइबिलिटी में लिखा जाएगा अदरवाइज रिटायरमेंट एंड डेथ इज सेम आगे नेक्स्ट ठीक है ओके okay, आगे कैपिटल अब बाकी कैपिटल क्लोज करने हमें उनके बैलेंसेस बैलेंसे अच्छा कोई कैपिटल एडजस्टमेंट बोले इतने कैपिटल रखने कुछ लिखा है कि आपको कि इतने कैपिटल रखो तो मैं रख देता काले एंड गोरे में जितना कैपिटल उन्होंने बोला उतना लिख दूंगा टू बैलेंस करिड डाउन यहाँ पे फिर लिख देता टू बैलेंस करिड डाउन और फिर मिसिंग फिगर में कैश अकाउंट के थ्रू बैंक अकाउंट के थ्रू करंट अकाउंट के थ्रू या लोन अकाउंट के थ्रू रूट करूंगा ऐसे कुछ है क्या कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं है तो जो भी है वो फाइनल बैलेंस ट्वेल्व थाउजेंड 12,500 हंड्रेड माइनस 500 हंड्रेड फाइव हो गया तो 12,000 बाकी है 11,550 11,550 परफेक्ट ये आएगा 16,500 बाकी सेम है उधर चार हजार से ज्यादा है तो यहां पे भी चार हजार से ज्यादा आएगा पंद्रह हजार पांच सौ पचास फिफ्टीन ठीक है इनके कैपिटल बैलेंसेस हैं, कुछ एडजस्टमेंट नहीं कैपिटल capital में कैपिटल कैपिटल्स हाँ, काय गोरे विच इज इलेवन थाउजेंड फाइव फिफ्टी देन फिफ्टीन थाउजेंड फाइव फिफ्टी इट इज टोटल ले लो जीरो वन कैरिड इलेवन वन कैरेड सिक्स सेवन वन कैर कितना आ रहा है ट्वेंटी सेवन आ गए क्या नहीं कैपिटल नहीं, की टोटल कितनी आ गई ट्वेंटी सेवन हंड्रेड परफेक्ट कैश या बैंक बैलेंस लिखना मत भूलना कभी-कभी वो लिखते नहीं और आप बोलते टैली नहीं हो रहा है टैली नहीं हो रहा है क्लिक नहीं होता है कभी कभी एग्जाम में यही मैं बोल रहा था कैश और बैंक में कोई डिफरेंस नहीं है एंड बैलेंस शीट विल टैली सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फोर्टी सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एनी रन एस डाउट वन इज डाउट इन दिस क्वेश्चन चलो जल्दी व्हाट आर द एंट्रीज ध्यान देना मैं इंट्री समझा रहा हूं एवरीवन मैं क्विकली एंट्रीज डिटेल कर रहा हूं फर्स्ट एंट्री रिवेल्यूशन प्रॉफिट की लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू हंड्रेड क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट हंड्रेड टू रिवेल्यूशन अकाउंट क्रेडिट या पेंडल एडजस्टमेंट क्रेडिट थ्री हंड्रेड दिस इज रिवेल्यूशन प्रॉफिट की एंट्री एक रिवल्यूशन प्रॉफिट की एंट्री फिर रिवेल्यूशन लॉस की एंट्री पेंडल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक थ्री हंड्रेड टू मशीनरी सेवन हंड्रेड टू आर डी डी फाइव हंड्रेड सो टोटल डेबिट रहेगा उसमें वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सो फर्स्ट एंट्री हुई लाइफ स्टॉक अकाउंट डेबिट टू हंड्रेड अकाउंट डेबिट वन हंड्रेड टू पी एंडल एडजस्टमेंट क्रेडिट थ्री हंड्रेड बीफिटीड टू स्टॉक क्रेडिट थ्री हंड्रेड टू मशनरी क्रेडिट सेवन हंड्रेड टू क्रेडिट फाइव हंड्रेड बीट्स रिवैल्यूड एंड लास्ट में रिवैल्यूशन क्लोज करने की एंट्री बाय है लिखा है तो यहाँ पे देखेगा आपको राइट के डेबिट फिफ्टी जी डेबिट फोर फिफ्टी पी डेबिट राइट थ्री हंड्रेड टू रिवैल्यू टू पी हंड्रेड एडजस्टमेंट क्रेडिट हाउ मच वन थाउजेंड टू हंड्रेड बींग लॉस ऑन रिवेल्यूशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो रिवेल्यूशन के सब एंट्रीज हो गए अब दूसरी एंट्री रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू कितना टोटल रिजर्व फंड जो भी बैलेंस में दिखेगा वो फोर थाउजेंड रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट फोर 1500 वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड टू पी क्रेडिट थाउजेंड बींग रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो फिर गुडविल एडजस्टमेंट क्या है गुडविल एडजस्टमेंट

अब क्या करने हमें उसको उसका जो भी पैसा है हम उसके के पे ट्रांसफर कर देंगे हम उसके लोन में ट्रांसफर कर देंगे पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 9700 टू पीज लोन अकाउंट क्रेडिट 9700 बीइंग अमाउंट पेबल टू पी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट ओपनिंग बैलेंस की कोई एंट्री नहीं आती क्लोजिंग बैलेंसस की टू बैलेंस कैरीड डाउन टू बैलेंस बोट डाउन की कोई एंट्री नहीं आती दीज आर द एंट्रीज बस ठीक है आगे क्वेश्चन नंबर फोर हो गया नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव एवरी वन ले क्वेश्चन नंबर फाइव किधर है आगे. गिवन बिलो बैलेंस शीट ऑफ वैशाली माधुरी एंड ऐसे मेनका ऐसे वो अगर नाम यूज करते ना तो थोड़ा डिस्ट्रेक्शन हो सकता है आप लोगों को पहले भी एक कुछ तो आया था देखो उस दिन के इसमें ज्यादा सोचना नहीं कार्तिक किधर है वो ये था ना किधर गया वो एक क्वेश्चन था मेन का गन कुछ तो अरे कौन सा है एक था यार उस दिन थर्ड था क्या हाँ, मेनका रंभा उर्वशी आगे ज्यादा सोचो मत वैशाली माधुरी एंड मेनका हुईल रे वन इज टू वन इज टू वन आगे ठीक है थ्री रुपीज का प्रॉफिट होगा तो एक एक ऐसे बटेगा सिंपल क्रेडिटर्स लाइबिलिटी ओवरड्राफ्ट है निगेटिव कैश बैलेंस है बैंक बैलेंस है क्रेडिट पे आएगा बाय बैलेंस बॉट डाउन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वैशाली माधुरी अच्छा अब क्या नाम चेंज हो गए क्या उनके कौन exactly? है मानसी या कौन है एग्जैक्टली मीन का या मानसी वैशाली ठीक है मीन का की जगह मानसी कर दो फिर ठीक है मानसी आगे वैशाली माधुर्यन मानसी कैश डेटर्स लेस एग्जिस्टिंग का है अगर वो इंक्रीज होता है तो लॉस रहेगा अगर वो डिक्रीज होता है तो गेन रहेगा फर्नीचर मशीनरी मोटर कार एंड प्रॉफिट एंड लॉस दिस इज पी एंड एल एज डेबिट बैलेंस में है मतलब वो डेबिट बैलेंस है दिस इज पी एंड एल विद डेबिट बैलेंस असेट में दिस इज नेट लॉस दिस इज नेट लॉस कैपिटल से माइनस करेंगे ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो आगे वैशाली द फर्स्ट पार्टनर रिटायर्ड ऑन फर्स्ट अप्रैल नेक्स्ट डे पे रिटायर हो गई दिस इज ऑल्सो एज सिग्निफिकेंस नेक्स्ट डे पे रिटायर बिकॉज क्यू बिकॉज जिस दिन बैलेंस शीट फाइनल हो गई नेक्स्ट डे पे रिटायर हो गई तो देर इज नो टाइम गैप बिटवीन बैलेंस शीट एंड रिटायरमेंट तो हमें कोई एडिशनल एडजस्टमेंट नहीं करने अगर सपोज तो दो मंथ के बाद रिटायर होती है तीन मंथ के बाद रिटायर होती है चार मंथ के बाद रिटायर होती है तो ये दो तीन मंथ के हमें एडजस्टमेंट करने होंगे बिकॉज इस दो तीन मंथ में भी कुछ प्रॉफिट्स कमाए होंगे वो प्रॉफिट में हमें उसको शेयर देना होगा

गुडविल ऑफ द फर्म पूरे फर्म काउजेंड इज टू बी रेज इन द बुक्स खाली रेज करने को बोला है राइट ऑफ नहीं लिखा है इज टू बी रेज इन द बुक्स पहले वाले क्वेश्चन में क्या था इंग्लिश अच्छे से आनी चाहिए एंड रिटर्न ऑफ इमीडिएटली यहाँ पे ऐसे कुछ चिटन ऑफ है कि नहीं खाली उन्होंने बोला है कि वो रेज करो सो गुडविल रेज करने के लिए ये 5000 हम एसेट में ऐड करेंगे एंड ये जो फर्स्ट पार्टनर है वैशाली उसके कैपिटल में भी ऐड करेंगे गुडविल टू वैशाली 5000 5000 एंट्री होगी ए पार्ट पेमेंट ऑफ 10000 अच्छा उसको वैशाली को जो जो पे करना होगा उसमें से 10000 हम पे करेंगे एंड बैलेंस टू बी ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट बाकी हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे कोई इशू ियड एडजस्टमेंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म क्वेश्चन नंबर फाइव पेज नंबर है ठीक है लिखो इन द बुक्स ऑफ द फर्म In the books of the firm, balance sheet. As thirty-first first April, first April, April two thousand. आप में से किसके पास प्रीवियस ईयर का टेक्स्ट बुक है क्या गलती से आपने किसी सीनियर से लेकर रखा है आपके रिलेटिव से मिला है टेक्स्ट बुक है क्या प्रीवियस ईयर का नौ yes किसी no? के पास है प्रीवियस ईयर का कोई भी नहीं Three partners, cash oblique bank. कैपिटल्स, कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है यहां पे लिखा जाएगा पीएनडी एडजस्टमेंट अकाउंट निश्चित कैश पब्लिक बैंक अकाउंट कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट ठीक है लेट्स स्टार्ट जो भी टेल्ड इंफॉर्मेशन है एक जगह पे जाएगी क्रेडिटर्स Creators में कोई चेंजेस नहीं आप बाहर लिख दो ओवरड्राफ्ट उसमें भी हम कोई चेंजेस नहीं करने वाले कैश है हमारे पास बैंक ओडी वैसे के वैसे लिख दो फाइव थाउजेंड नेक्स्ट रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय रिजर्व ओपनिंग बैलेंस के लिए लाइन रखना क्या क्या नाम है वैशाली माधुरी एंड मानसी अच्छा मेरे पास मेरे टेक्स्ट बुक में बराबर मानसी लिखा है मेरे टेक्स्ट बुक में मानसी लिखा है मतलब पीडीएफ में वो चेंजेस बाद में किए होंगे शायद से उन्होंने आगे नहीं नहीं ऊपर में इनका है कि हाँ बराबर हाँ आगे तो ऊपर ऊपर गलत है बराबर ट्वेंटी एट थाउजेंड सॉरी कितना है वो रिजर्व बारह हजार इक्वली बारह इक्वली बारह हजार इक्वली तीन हजार तीन हजार नहीं चार हजार चार हजार चार हजार एंट्री आ गई जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट ठीक है आगे नेक्स्ट बाय बैलेंस बैलेंसे डाउन कैपिटल्स बाय बैलेंस ए डाउन हाँ बोलो बाय बैलेंस ब्रॉटडाउन ट्वेंटी एट सेवन हंड्रेड

डेटस कुछ तो आरडीडी बोला इनर को सिक्सटीन थाउजेंड लेस आरडीडी इनर टू इनर में टू थाउजेंड एग्जिस्टिंग आरडी टू थाउजेंड इंक्रीज होगा तो लॉस डिक्रीज होगा तो राइट डिक्रीज होगा तो गेन फर्नीचर furniture is 15000 then machinery machinery is 40000 motor car 25000 प्रॉफिट एंड लॉस लॉस है डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन दियर पी एस आर वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड वन थाउजेंड फाइव इक्वल है 1, 500, 1, 500, 1, 500. ठीक है देन क्लियर है बैलेंस एक जगह पे गई अब हम एडजस्टमेंट करेंगे एवरी एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट्स। फर्नीचर को फोर्टीन थाउजेंड करने को बोला है so, एक हजार का राइट ऑफ ए लेस, डेप्रिसिएशन लॉस एल एडजस्टमेंट टू फर्नीचर था खुद से बात करते चलो खुद को इंट्री बोलते चलो आगे मशीनरी को थर्टी एट थाउजेंड करना है फिर से दो हजार का डेप्रीसिएशन है लेस डेप्रीसिएशन टू थाउजेंड so, सो एल एडजस्टमेंट टू मशीनरी टू थाउजेंड पी एल एडजस्टमेंट टू मशीनरी टू थाउजेंड मोटर कार को ट्वेंटी थ्री एट हंड्रेड करना है मोटर कार को ट्वेंटी एट ट्वेंटी थ्री एट हंड्रेड करना है अगेन डेप्रिसिएशन लेस डेप्रिसिएशन 1200 का डिप्रेसिएशन है 1200 का डेप्रेसिएशन है टू मोटर वन थाउजेंड टू हंड्रेड का डेप्रिसिएशन है गुड उसके बाद आरडीडी को फाइव परसेंट रखने को बोला है

तो so, हमें एक्चुअली आरडीडी से 2800 करना है हमें आरडीडी डिक्रीज करना है 1200 से हमें आरडीडी डिक्रीज करना है 1200 से एंड डिक्रीज इन आरडीडी 2000 से आरडीडी 800 हुआ है एडजस्टमेंट रीवैल्यूएशन 1200 का है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में 1200 गेन है इसलिए क्रेडिट पे आएगा बाय आरडीडी 1200 1200 से आरडीडी डिक्रीज हो गया

1200 rdd कैंसिल हो गया गेम है आगे गुडविल ऑफ द फर्म 15000 बट हमें खाली वैशाली का गुडविल रेस करना है बाय गुडविल राइट 15000 में से 1/3 हम उसको वैशाली को 5000 क्रेडिट करेंगे अगर हमें राइट ऑफ करने को बोलते हैं हम गुडविल राइट ऑफ करेंगे गेनिंग रेशियो में यही 5000 बट हमें राइट ऑफ नहीं करना है हमें करके रखना है राइट ऑफ करोगे तो असेट में नहीं दिखेगा वो अगर राइट ऑफ करोगे तो असेट में नहीं दिखेगा वो क्या हो जाएगा गेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल से माइनस हो जाएगा उनको डेबिट हो जाएगा आगे ए पार्ट ऑफ द पेमेंट अच्छा अब वो पेमेंट करना है उन्हें बोला ए पार्ट ऑफ द पेमेंट तो यहां पे लिख दो वैशाली को हम टेन थाउजेंड पे करने वाले हम वैशाली को टेन थाउजेंड पे करने वाले बाकी अमाउंट उसके लोन में जाएगी हाँ। तो वैशाली टू कैश यहाँ पे आएगा बाय वैशाली कैपिटल लिखा है तो लिख दो ना बाकी अमाउंट लोन है लोन के अमाउंट दो आगे उसके पहले पेनल क्लोज करेंगे There is a loss debit is more debit is more loss is of 10000 by loss on revaluation transfer to old partners in old ratio equal partners above 1000 1000 1000 ठीक है अब टेज बुक में लिखते जाओ प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं बाय पार्टनर्स कैपिटल इनटू ब्रैकेट लॉस वैशाली माधुरी मानसी 1000 1000 1000 उनके कैपिटल के डेबिट पे टू ब्रैकेट लॉस थाउजेंड 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 ठीक है थाउजेंड 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 थोड़ा स्लो चल रहा है आ जाएगा 1000 1000 1000 आगे अब हमें वैशाली को क्या-क्या पे करना है जो बाहर जाता है उसको क्या पे करना है हमें उसको उसका गुडविल हम उसका कैपिटल देते हैं 28700 फिर हमें उसको अगर रिसोर्स में शेयर है वो देंगे 4000 अगर गुडविल में शेयर है वो देंगे ये सब चीजें हम उसको देंगे तो अभी उसको टोटल कितना देना है हमें उसको देना है अभी दिख रहा है 700

हमें उससे 2500 रिकवर करने हैं सो so, हमें उसको एक्चुअली 35000 200 पे करना है हमें उसको 35200 पे करना है उसमें से 10000 हम उसको पे कर रहे हैं तो बाकी अभी भी कितना पे करना है जो उसके लोन में जाएगा वैशाली लोन अकाउंट सो so, इसमें से हम 10000 पे करेंगे और बाकी 25200 हम बोलेंगे बाद में रिपे करेंगे उसके लिए हमें उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है इफ नथिंग इज मेंशन दैट इंटरेस्ट इज 6% परसेंट। ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोला हम हमें, हमें इस लोन पे अब कितना लोन बनेगा 25200 ये लोन हम रिपे करना पड़ेगा और हम जब रिपे करने जाएंगे तो हमें देयर इज अ प्रोविजंस इन पार्टनरशिप एक्ट वो अपने सिलेबस में नहीं है यू विल लर्न इन सीए फाउंडेशन पार्टनरशिप लॉ में कि हमें इस पे इंटरेस्ट देना पड़ता है सिक्स परसेंट या शेयर इन द प्रॉफिट देना होता है फॉर दैट पीरियड मतलब सपोज मतलब क्या है रिटायर कब हुआ फर्स्ट अप्रैल 19 को राइट right? तो इस दिन हमें उसके कैपिटल उसका लोन कितने का बन गया ट्वेंटी फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड एंड सपोज हम थर्टी एट एट अक्टूबर थर्टी अक्टूबर को उसका लोन रिपे करते हैं तो ये सिक्स मंथ्स के लिए हमें

9500 अभी भी कैश है तो लिख दो यहाँ पे ठीक है अच्छा यहाँ पे लोन नहीं नहीं वीज लोन गलत लिखा मैंने वीज लोन इज 25200 25200 थाउजेंड टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड वीज लोन इज ट्वेंटी टू हंड्रेड अच्छा इन लोगों के बाकी के क्लोज करो थर्टी फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड उज थर्टी माइनस फाइव हंड्रेड थ्री हंड्रेड आएगा टू माइनस करूंगा तो थर्टी थ्री आएगा थर्टी थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड थर्टी थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड यहां पे कितना है थर्टी फोर में से टू गए थर्टी टू फिर फाइव हंड्रेड गए थर्टी वन फाइव हंड्रेड चेक करो बराबर यस टू बैलेंसेस का रिकडाउन कोई कैपिटल एडजस्टमेंट है क्या कि उन्होंने बोला इतना इतना कैपिटल रख दो तो मैं लिख दूंगा टू बैलेंस कािकडाउन वो जो आया है वो और फिर जो भी डिफरेंस रहेगा कैपिटल में वो कैश अकाउंट करंट अकाउंट लोन अकाउंट बैंक अकाउंट के थ्रू रूट करूंगा ठीक है कोई कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं लिखो कैपिटल एम तो एम माधुरी एंड मानसी माधुरी एंड मानसी थर्टी थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड थर्टी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्सटी फोर थाउजेंड एट हंड्रेड एंड यू टू टेल मी वट इज द एंसर वन लैख फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड ओके आई विल टेक यूर आंसर वन लैख फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड क्या आपने टेक्सट बुक में देख के बोला क्या या कैलकुलेट किया एक्चुअली वन लाख फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड सो क्वेश्चन नंबर कौन कौन से हो गए फोर हो गए एंड फाइव हो गया बराबर अच्छा कोई इंट्रीज डिकेट करेगा इंट्रीज रेज द एंड एनी वन कैन डिटेक्ट द इंट्रीज एक आधा तो रहेगा ओके परफेक्ट निधि मैडम तेरे पास है क्या मैं तुझे बोलता हूं बुक है ना तेरे पास क्या काम करना है ठीक है आई विल पिंग यू आफ्टर लेक्चर इसमें से कौन है एंट्री डिटेड करेगा किसको पकड़ू क्या मैं जॉनी है कह रहे जॉनी दो दो इससे क्यों लॉग इन होता है जॉनी तो वो मुझे अटेंडेंस में ट्रैक में प्रॉब्लम आएगा ना इसे दो दो से लॉग इन करेगा तो दो ही से क्यों लॉगिन है भाई तो तो मैं चेक करता हूँ ना नंबर कितने प्रेजेंट है क्या है ठीक है आगे आगे हाँ बोलो जॉनी इंट्रीज अब पता नहीं तो कौन से अकाउंट तो में से फिर हेलो ठीक है आप बोल चल इंट्रीज डिट्रेट हाँ

कर दिया उसका। एंड में, लोन एंड में, थोड़ा

गुडविल राइट ऑफ किया गुडविल राइट ऑफ किधर करना है तूने अभी जो एंट्री बोली वो राइट ऑफ की एंट्री है क्या अच्छा हाँ राइट right ऑफ नहीं करने का था हम्म तो वो क्या तेरा आंसर नहीं टैली होगा हमारे साथ कैपिटल में चेंजेस आएंगे फिर क्योंकि तो कि अगर तू 5000 मतलब टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड टू तूने राइट ऑफ किया होगा बराबर ना

गुडविल की हो सकती है ये तीन एंट्रीज की जब तक आपकी एंट्रीज नहीं होती ये हमेशा याद रखना इस चैप्टर में में चार एडजस्टमेंट्स है तो उसमें से पे, सबसे पहले एंट्री पहले एंट्री डालते लिखते टाइम भी एक सीक्वेंस रखो कि हम पहले प्रॉफिट लॉसेस की एंट्री डालेंगे तो यहाँ पे दो थे एक था ये आपका राइट मी शो यू आपका था ये जनरल रिजर्व

कैपिटल के सब एडजस्टमेंट्स हो गए बराबर अब तू तो उसको तो पेमेंट के so, हाँ, paid, हाँ, की एंट्री डाल सो वैशाली अकाउंट डेबिट 10000 टू कैश 10000 हां पार्ट अमाउंट पेड हां एंड फिर रिमेनिंग अमाउंट के लोन की एंट्री आएगी बोल सो so, वैशाली अकाउंट डेबिट 25200 टू लोन फ्रॉम वैशाली 25200 परफेक्ट सो so, हो गए सब या ये हो गई थी गुड so, सो यही सीक्वेंस में चलना है ठीक है गुड अच्छा या। चलो वन ट्वेंटी वन हुए अभी तो कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते अपना मॉर्निंग में डेली दो क्वेश्चंस का मिनिमम टारगेट रहेगा ठीक है सो so, कौन सा क्वेश्चन हुआ क्वेश्चन हुआ आपका लेट मी चेक इसमें अनसोल्व एक्सरसाइज नहीं है डायरेक्टली सॉल्व सौ, ही है फिफ्थ हुआ अब कितने बाकी सिक्स्थ Seven. अच्छा दो ही क्वेश्चन बाकी है एंड एंड तो ये कल हो जाएगा मॉर्निंग में होना ही चाहिए? अरे नहीं है मुझे लगा अनसॉल्व नहीं है कोई इश्यू नहीं बट कम क्वेश्चन आएंगे शायद से पाँच छे ही रहेंगे या गुड डेथ में कितने आई डोंट नो डेथ में थोड़े ज्यादा होनी चाहिए टू सेवन ठीक है और उतने ही नीचे भी रहेंगे शायद से ऑलमोस्ट ठीक है टारगेट इज कि हम थर्टी एथ थर्टी फर्स्ट डिसम्बर तक दोनों चैप्टर्स खत्म कर देंगे ठीक है चलो थैंक यू